एक बार टेस्ट राइड लो MT15 और R15 का जो भूत है ना, ये गाड़ी आपका भूत उतार देने वाला है। बजाज पल्सर NS400Z ब्लैक कलर आप इस वीडियो में देख रहे हो। देखो, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ यामाहा के MT15 और R15M या R15V4 से। तो यामाहा फैन बॉयज, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग को बुरा लगेगा, वीडियो को छोड़ के अभी ही चले जाओ, ठीक है। बाकी जो पल्सर फैन बॉयज है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। बजाज पल्सर NS400Z फ्रंट से कुछ इस प्रकार देखने को लगती है। यहाँ पे NS400Z की ब्रांडिंग देख सकते हो, LED DRL लाइट और जो मेन हेडलाइट सेटअप है कंप्लीट, इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप इसमें देखने को मिलता है LED इंडिकेटर के साथ, जो कि इसमें आपको हैजार्ड का भी फंक्शन इसमें दिया गया है। तो ये चीज आपको कंप्लीट यामाहा MT15 से NS400Z का मॉडल चेंज है। अब आप लोग बोलोगे, मैं NS400Z को 155 सीसी वाली, मतलब कि छुई हुई बच्चा मोटरसाइकिल से मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? मैं MT15 को बच्चा ही मोटरसाइकिल कहता हूँ भाई। यामाहा वाले 210,000 रुपया ले रहे हैं, 211,000 रुपया ले रहे हैं और 155 सीसी का भाई नाजुक सा इंजन आपको दे रहे हैं। तो भाई बजाज ने अपना तगड़ा लौंडा भारतीय मार्केट में 400 सीसी कैटेगरी में उतार डाला है। तो फ्रंट से अगर MT15 लेते हो तो MT15 का डिजाइन कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। उसमें भी आपको LED DRL लाइट और LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलते हैं। और NS400Z लेते हो तो इसका जो फ्रंट का हेडलाइट सेटअप है ना, एकदम बल्कि, मतलब ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर आपको देख रहा है, उस टाइप का आपको इसका फ्रंट हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। LED इंडिकेटर है, जो कि MT15 में दो वेरियंट आता है। बेस मॉडल लोगे तो उसमें बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाला इंडिकेटर मिलता है और टॉप मॉडल लोगे तो उसमें LED इंडिकेटर मिल जाता है। तो LED इंडिकेटर दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं। MT15 लोगे तो उसमें आपको ना ही एडजस्टेबल क्लच लीवर मिलता है और ना ही एडजस्टेबल आपको ब्रेक लीवर मिलता है। NS400Z लोगे तो इसमें आपको क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों एडजस्टेबल मिल जाते हैं। MT15 में आपको 35 या 37 mm का फ्रंट में USD फोर्क सस्पेंशन मिलता है, लेकिन बजाज पल्सर NS400Z लोगे तो इसमें आपको 43 mm के आपको इसमें KTM वाले इसमें USD फोर्क सस्पेंशन लगे मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट टायर साथ आपको 110/70/17 का मिल जाता है। 320 mm का फ्रंट में NS400Z में डिस्क ब्रेक साइज दिया गया, जबकि MT15 में 282 समथिंग का उसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इसमें ग्रामिका के कैलिपर मिल जाते हैं, डुअल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, MTC मिल जाता है। भाई MT15 में MTC नहीं आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मानते हैं मिल जाएगा लेकिन MTC उसमें नहीं आता है। टेल पैनल पे NS400Z की ब्रांडिंग, 807 mm का सीट हाइट। MT15 में स्प्लिट सीट नहीं मिलता है, NS400Z लेते हो तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है और आराम से इसमें आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग या फिर लेडीज़ को भी एज अ प्लेन बैठा सकते हो। गड़े ब्रेल इसमें मिल जाता है NS400Z में, जो कि MT15 में ये पाइप नुमा टाइप का मिलता है, तो वो भी क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ MT15 लेते हो तो उसमें लगभग 10 लीटर का उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और NS400Z लेते हो तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। E20 पेट्रोल से दोनों मोटरसाइकिल ऑपरेटेड है। और यहीं पर ये देख लो, ये है यहाँ MT15 का मीटर, ये भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, लेकिन NS400Z का जो मीटर है ना, और इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल SMS अलर्ट, 4 राइडिंग मोड, रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, MTC, साथ ही साथ आपको इसमें म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है। और इतना ही नहीं, ये मोटरसाइकिल आपको टर्न बटन नेविगेशन ही बताने वाली, जो कि यामाहा MT15 और R15 में आपको इतना कुछ आपको पैकेज उसमें नहीं मिलने वाला, प्लस वो प्राइस भी ज़्यादा आपसे ले रहे हैं। चार्ज करने की USB चार्जिंग पोर्ट इसमें मिल जाता है, जो कि यामाहा अपने MT15 और R15 में नहीं देता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू MT, रियल टाइम माइलेज वगैरह मिल जाएगा। लेकिन स्विच क्वालिटी आप NS400Z का देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। राइड के दरमियान आपके मोबाइल पर किसका फ़ोन आ रहा है उसका नाम यहाँ शो करेगा इस पर, समझ गया? अगर नाम सेव है तो नाम बताएगा, नहीं तो नाम सेव नहीं है तो नंबर दिखाएगा। ये चीज़ R15 और MT15 में नहीं मिलता है, सिर्फ वहाँ पे कॉलिंग का आपको साइन बन जाएगा, नाम उम नहीं बताने वाला। तो ये डिसएडवांटेज आपको यामाहा MT15 और R15 में मिलेगा एज कम्पेयर टू बजाज पल्सर NS400 में आपको ये एडवांटेज मिल जाता है। भाई USB चार्जिंग पोर्ट भी नहीं ले रहे हैं, MT15 210,000-212,000 रुपये का आ रही है भैया, ये सब चीज़ उसमें नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, R15 में भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। स्विच क्वालिटी आप देख सकते हो, स्विच असेंबली बहुत ही आपको बेस्ट क्वालिटी का आपको मिल जाने वाला है। बैक LED स्विच आपको देखने को मिल जाए, जो कि ना ही R15 में है ना ही MT15 में, ये चीज़ इन दोनों मॉडल में नहीं है। तो ये एडवांटेज यहीं पर बजाज पल्सर NS400Z यहाँ से ले जाती है। हैजार्ड बटन आपको MT15 में मिल जाता है, R15 में मिल जाता है और पल्सर NS400Z में भी मिल जाता है। सेल्फ स्टार्ट का बटन, हाई लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन, ये सब आपको मिल जाने वाला है, समझ गए? स्विच ये देख लो, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट,
और इंडिकेटर हॉर्न सुन लीजिए। सिंगल हॉर्न आपको NS400Z में भी मिलता है। माइलेज आपको इस पल्सर NS400Z लेते हो तो लगभग कंपनी क्लेम करती है 35 KMPL का, लेकिन रफली ये 30-32 से ज़्यादा माइलेज नहीं देने वाली है। साइड से देखो NS400Z में आपको पेरीमीटर फ्रेम मिलता है और MT15 में आपको डेल्टा बॉक्स मिलता है। R15 में भी डेल्टा बॉक्स दिया गया है। 140 सेक्शन का बैक में आपको NS400Z में आपको रेडियल टायर मिलता है। ये चीज़ आपको यहाँ MT15 में भी 140 मिलता है और R15 में भी 140 सेक्शन का मिलता है। पीछे की तरफ लगभग आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। R15 और MT15 में लगभग 220 या 230 का आपको पैक में डिस्क ब्रेक साइज मिल जाता है। अंडर वैली एग्जॉस्ट आपको NS400Z मिलता है, जो कि R15 और MT15 में अंडर वैली एग्जॉस्ट नहीं मिलता है। एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको इसमें नाइट्रॉक्स वाले NS400Z मिलता है, उसमें आपको लिंक टाइप सस्पेंशन MT15 और R15 में दिए गए हैं। सबसे मेन चीज़ है भैया इंजन। आप बोलोगे R15 वाले बंदे बोलोगे कि भाई मेरी 155 cc की मोटरसाइकिल 155 भागती है, MT15 वाले बोलोगे मेरे भी 155 cc है तो मेरी 145-148 भागती है। तो भाई तुम दोनों सुनो, ये जो पल्सर NS400Z है ना, R15 और MT15 दोनों का बाप है। 373.27 cc का आपको DOSC लिक्विड कूल 4 वाल्व BS6 Phase 2 फ्यूल इंजेक्टेड OBD2 सेंसर के साथ ये सेम डोमिनार वाला रिट्यून वाला इंजन इसमें देखने को मिल जाएगा। 40 PS का पावर और 35 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। स्लीपर क्लच और 6 गियर के साथ ये गाड़ी आती है। टॉप स्पीड इसका जो है ना भाई ये 175 जाती है। R15 और MT15 वाले बंदों, मैंने पहले ही बोला था कि वीडियो छोड़ दो, वीडियो स्किप कर दो, छोड़ दो मत देखो, ये तुम दोनों का बाप है। MT15 तो भाई 145-148 पर दम तोड़ देती है, और R15 भैया अगर स्विमिंग करोगे तो भाई वो आराम से 148-151 तक जाएगी, लेकिन वो भी उसमें उसका दम फूलने लगता है। तो ये टोटल चीज़ में NS400Z तुम दोनों का बाप है। इंजन का दूसरे साइड का लुक ले लो, कुछ इस प्रकार है। इसमें एक ही स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड, जिसमें इंजन कटअप का सेंसर मिल जाता है। लेग गार्ड और साड़ी गार्ड आपको प्री इंस्टॉल कंपनी फिटेड मिल जाने वाले हैं। पीछे का सीट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको की स्लॉट दिया गया है। इट इज आपको NS200 की तरह से, ये भी आपको NS200 की तरह से है। LED इंडिकेटर, रेटर हगर इसमें मिल जाता है। NS400 खरीदते हो तो ये आपको लगभग 230,000 रुपया ऑन रोड प्राइस, ये बिहार का मैं बता रहा हूँ। MT15 आपको वो 155 cc का बच्चा इंजन मिलता है, वो आपको 2,12,000-2,11,000 रुपया उसका रेट हो गया, और भी रेट उसका बढ़ेगा। R15 लेने जाते हो तो पूरा प्लास्टिक का भैया डिब्बा है। वो मोटरसाइकिल आपको लगभग 2,38,000 रुपये का M मॉडल है, और जो 2,26,27,000 का वो लगभग आपको V4 मॉडल आता है। भाई पैसे मत बर्बाद करो, पूरा वीडियो देखे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग स्किप करके भी देखे हो उसका भी शुक्रिया। NS400Z वैल्यू फॉर मनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस मोटरसाइकिल को कंसिडर करो, समझ गए। टाउन क्लियरेंस इस मोटरसाइकिल का लगभग आपको 168 mm है। कर्व वेट लगभग इसका 174 kg इसका कर्व वेट इसमें दिया गया। करते हैं इंजन साउंड सुन लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिव फ्री राइड आर्ट एंड अ सेफ राइड। पीस आउट।